अपडेट होता है, जो रडार के आधार पर जो अपडेट होता है वो अपडेशन का काम चल रहा है। जैसे ही जानकारियां आएंगी कि बिहार और आसपास में जो तीव्रता है उसकी तीव्रता क्या रही है वो जानकारी मिल जाएगी। लेकिन फिलहाल उसी दौरान जो है गैंगटोक जो है उसका भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है, जहां पर 2.4 रिक्टर पैमाने पर जो है स्केल भूकंप जो है उसकी तीव्रता बताई जा रही है। जहां पर आप हैं वहां लोगों के बीच में कुछ बातचीत हो रही है, आसपास किसी को समझ में आया कि भूकंप का झटका था? जी बिल्कुल, स्थानीय लोग हैं। अगर आप कहेंगे तो हम इसी मोबाइल के आधार पर हम लोगों से आपको हम सीधे जोड़ देंगे हम कि लोगों ने क्या एहसास किया है। अभी बोरिंग रोड इलाके में हम मौजूद हैं और वहां पर लोगों ने कंपन एहसास किया है। हम सीधे लोगों से एक बार जोड़ने की कोशिश कर। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, भूकंप के झटके महसूस किए गए, हालांकि कुछ सेकंड के लिए था, जब तक कुछ लोग समझ पाते तब तक ये झटका निकल चुका था, लेकिन भूकंप के हल्के झटके से लोग डरे हुए जरूर है, क्या खबर है? और शैलेंद्र से हम बात करेंगे, सीधे जुड़ने की कोशिश करेंगे ताकि और भी लोगों से बातचीत हो पाए। हमारे साथ रजनीश लगातार है जिन्होंने इस खबर को ब्रेक किया है। रजनीश हमारे पटना संवाददाता है, जिनके आसपास लोग हैं जिनके बीच में भूकंप को लेकर इसके झटके को लेकर बातचीत हो रही है। हालांकि ये जो भूकंप का झटका था कुछ सेकेंड के लिए था, 2 से 2.5 सेकेंड के लिए था, ऐसे में कई लोगों को इसके बारे में पता चला, कई लोगों ने महसूस किया, लेकिन कई लोग जब तक समझ पाते तब तक ये झटका गुजर चुका था। और अलग अलग जिलों से भी, अलग अलग जगहों से भी ऐसी खबरें अब आ रही हैं। राजधानी पटना में सबसे पहले इसके झटके महसूस किए गए, गैंगटोक को केंद्र माना जा रहा है और लोगों ने इस भूकंप के हल्के झटके को महसूस किया है, घर से बाहर निकले हैं लोग। और रजनीश हमारे साथ, शैलेंद्र से बात करते हैं। शैलेंद्र, क्या जानकारियां मिल पा रही है, अपडेट क्या है? देखिए अभी सर बोरिंग रोड में और यहाँ की हम तस्वीर दर्शकों को दिखाएंगे किस तरीके से लोगों में दहशत है। आसपास में देखिए कई अपार्टमेंट्स हैं, यहाँ बोरिंग रोड चौराहे के पास हम खड़े हैं और सारे लोग यहाँ पर अपार्टमेंट के नीचे आ गया अचानक से। लोगों ने भूकंप को महसूस किया और लोग काफी डरे हुए हैं क्योंकि